हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग इज़ फन विद फरजाना। आज का रेसिपी है बहुत सिंपल से बन जाने वाला झींगा मसाला। इसके वास्ते तसले में 2 स्पून तेल गरम कर लेना, 1/2 स्पून जीरा दाल को, 1/2 कप प्याज, 2 हरी मिर्च दाल को। प्याज ट्रांसपेरेंट होने तक पकने देखना मीडियम फ्लेम के ऊपर बीच बीच में चलाते हुए। अब 1/2 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल को फिर को 1 मिनट के वास्ते इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेना, अदरक लहसुन का कच्चा बास गए तक। अब 1/2 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून धनिया पाउडर डाल को सिम के ऊपर फिर को 1 मिनट के वास्ते इसे पका लेना। मैं यहाँ स्टोर करे सो झींगा लेती हूँ, तुम्हें तब का तब है तभी कला कर को यूज़ कर ले जा। कैसा बनाना की वीडियो में ऊपर आई का सिंबल दिखता है ना, उसे दबा को देखो मालूम हुआ था। 1/2 kg लेती हूँ मैं यहाँ स्टोर करे सो झींगे। 2 मिनट इसे कवर करके पकाने के बाद 1 ग्लास पानी डाल को फिर को इसे कवर करको मीडियम फ्लेम के ऊपर कितना कंसिस्टेंसी होना कि उतना होती इसे पका लेना ग्रेवी थिक हुए तक के। उसके बाद इसके अंदर जरे कोथिमीर डाल डालना और फ्लेम को बंद कर डाल को 1 स्पून नींबू का रस डाल डालना। बन गया हमारा मसाला झींगा फ्राई, कितना सिंपल है नहीं। इसे तुम्हें चावल के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते। Thank you for watching and please don't forget to like and subscribe my channel. Bye.